ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेली'स नंबर वन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपकी बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत। आपकी बात में मिलवाते हैं हम आपको शहर की प्रमुख हस्तियों से, जिन्होंने अपने विशेष कार्य द्वारा शहर में विशेष योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बंदी बंधाई परपाटी को लागू करना, उसे चलाना एक आम सी बात है, लेकिन उसी क्षेत्र में नए पायदान देखना और नए किस्म की चीज़ों को लागू करना समय रहते, जिससे आने वाले भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं देखी जा सकें या बहुत सारे सूत्र रचे जा सकें, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे शहर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भविष्य को गुनते हुए देखा, भविष्य की गूंज सुनी और बहुत पहले ही उस क्षेत्र में कार्य किए। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए ही हैं और उन्होंने भी विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में एक आहट पहले से सुनी और बायोटेक्नोलॉजी को स्थापित किया। हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर सुबोध भटनागर जी का स्वागत करते हैं। भटनागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर सुबोध भटनागर रीडर एंड हेड हैं बायोटेक्नोलॉजी विभाग के और आप संयोजक सचिव हैं सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च के। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप बॉटनी विभाग में थे, पढ़ा रहे थे जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, इस विभाग को आपने स्थापित करने का सोचा? 1985 में जब मैं एक इंडो फ्रेंच स्कॉलरशिप के तहत फ्रांस के दौरे पर था, तब मैंने महसूस किया कि जो हमारी रूटीन बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, जो परंपरागत विज्ञान की विधाएं हैं, उन विधाओं से हटकर के अगर उन्हें हम मानव उपयोग या जीव जंतुओं के उपयोग या पेड़ पौधों के उपयोग या हमारे पूरे पर्यावरण के उपयोग के लिए इस्तेमाल करें तो शायद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज की सेवा कर सकते हैं। इस बात के मद्देनज़र या इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने 1994 में पहली बायोटेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस बरेली कॉलेज में स्थापित की। उससे एक तो बरेली कॉलेज में जितने भी पूरे देश के विख्यात बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे वो एकत्र हुए और उससे हमें एक वैचारिक आदान प्रदान का एक अवसर प्राप्त हुआ और हम ये बात एक्सप्लोर कर पाए, ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर पाए कि क्या बरेली कॉलेज सक्षम है इस क्षेत्र को बायोटेक्नोलॉजी में एक नए विज्ञान के तौर पर विकसित करने में और इस क्षेत्र की सेवा कर। पहले आपने ये सोसाइटी बनाई, विभाग उसके बाद आपने जी स्थापित की जी, तो आपकी सोसाइटी में जिस तरह के पर्चों का पढ़ना रहा होगा या जिस तरह के शोध कार्यों का सामने आना रहा होगा, उसी से मुझे लगता है कि आपके विभाग की नींव रखी गई जी। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी विभाग 1988 में सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च की स्थापना बॉटनी डिपार्टमेंट वनस्पति विज्ञान के प्रवक्ताओं ने, हम लोगों ने, साथियों ने, सबने मिलकर के इसको स्थापित किया और इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया कि वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में हम कुछ अलग से योगदान कर सकें, हम समाज को एक पहचान दे सकें इस विभाग की और इस कॉलेज की, और खास तौर से उन सारे शोध कार्यों को एक पत्रिका के तौर पर जिसे वेजिटोस के नाम से जाना जाता है उस पत्रिका में उनको प्रकाशित करके हम जन जन तक इसे पहुंचाएं, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जब शोध पत्र इस पत्रिका में आए और उन शोध पत्रों का प्रकाशन हमने प्रारंभ किया तो उनकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हमें पाठकों की मिली और उससे हमें एक उत्साह हमारा बढ़ा कि हम बायोटेक्नोलॉजी को इस कॉलेज में स्थापित करने की तरफ बढ़ सके। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी में फर्क क्या है? बॉटनी में हम परंपरागत वनस्पति विज्ञान को पढ़ते हैं, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, हमारा पर्यावरण, उन पर्यावरण या पेड़ पौधों को किस तरीके के वातावरण में उगाया जाए, उनका एक परंपरागत विज्ञान, और बायोटेक्नोलॉजी इस परंपरागत विज्ञान का ही
उपयोग है जो हम मनुष्यों के लिए पेड़ पौधों के हित के लिए और हम जीव जंतुओं के हित के लिए करते हैं। तो एक प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच है और अप्लाइड ब्रांच में हम उसका उपयोग करके देखते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान एक वैचारिक तौर पर एक बेसिक मूलभूत विज्ञान है, लेकिन बिना मूलभूत विज्ञान के हम इस एडवांस विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकते। जब आपने अपने स्कूल कॉलेज में शुरू किया इसको एज ए डिप्लोमा शुरू किया तो आपको कैसी प्रतिक्रियाएं मिली? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और वो प्रतिक्रिया आज तक बरकरार है। बरेली कॉलेज में जब 1997 में हमने एक प्रस्ताव डॉक्टर आर पी सिंह साहब जो प्राचार्य हैं बरेली कॉलेज के और इस समय छुट्टी पर चलने के कारण वो इस समय वाइस चांसलर हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, उनके समय में ये डिप्लोमा कोर्स हमने प्रारंभ किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला हमारे स्टूडेंट से और पहले वर्ष में 30 बच्चों से हमने इसको प्रारंभ किया था और धीरे धीरे करके आज उसकी स्ट्रेंथ लगभग। डिप्लोमा के बाद आपने बीएससी भी शुरू किया होगा? डिप्लोमा के बाद फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हमें बीएससी के लिए मान्यता प्राप्त हुई और बीएससी की मान्यता के बाद फिर विश्वविद्यालय ने उसको अनुमोदित किया और उसके बाद हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक विषय के तौर पर यहाँ स्थापित कर पाए। एमएससी अभी नहीं चल रहा है, एमएससी के लिए हमारा प्रस्ताव विश्वविद्यालय को भेजा गया है 2-3 बार मगर विभिन्न कारणों से उसको अभी मान्यता नहीं मिली है और हमें उम्मीद है कि बरेली कॉलेज को शीघ्र ही इसकी मान्यता मिल जाएगी। आपकी जो सोसाइटी है वो इंटरनेशनल लेवल की सोसाइटी है जी, कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं और कैसे इसको चलाते हैं? इस सोसाइटी की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रेसिडेंट से लेकर के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तक सदस्य हैं जिनको लगभग हम हर 2 वर्ष बाद एक बायोटेक्नोलॉजी पर या हम एक सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के साथ साथ एक जनरल बॉडी मीटिंग भी होती है जहाँ से एक प्रस्ताव आता है, अगर उस प्रस्ताव में कोई टकराव नहीं है, इलेक्शन की गुंजाइश नहीं है तो उसको एक नामित सदस्य के तौर पर अगले 3 वर्षों के लिए उसे नामित कर दिया जाता है और इस तरीके से उसी पूरे संस्था या एग्जीक्यूटिव बॉडी के संरक्षण में ये पूरी सोसाइटी चलती है। अच्छा, इस सोसाइटी के उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक गतिविधियों को संचालित करना, खासतौर से जो पादप विज्ञान से या बॉटनी से या बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हैं उन सारे गतिविधियों को नियंत्रित करना, उनको प्रारंभ करना, उनको चलाना, जैसे प्लांटेशन या वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, इसी तरीके से वसंतोत्सव हम लोग मनाते हैं या एक रिसर्च पीरियोडिकल रिसर्च पत्रिका शोध पत्रिका हमारे यहाँ से निकलती है उसको पूरे विश्व में वो पत्रिका जाती है, इस प्रकार की जो वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंसेस हैं, इनवाइटेड लेक्चर्स हैं, गेस्ट लेक्चर्स हैं या लेक्चर सीरीज हैं, उन सब का को हम संचालित करते हैं इस सोसाइटी के माध्यम से। 28-29 अप्रैल को आप इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, अब तक कितनी कॉन्फ्रेंसेस इसके तहत हो चुकी हैं? ये इस सोसाइटी के द्वारा संचालित होने वाली 5वीं कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले 4 कॉन्फ्रेंसेस हम इस सोसाइटी के बैनर में कर चुके हैं जिनमें से 1994 में पहला सम्मेलन हुआ, उसके बाद 1997 और फिर 1999 में इसका एक लखनऊ चैप्टर हमने प्रारंभ किया जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सीमैप के नाम से जिसको जाना जाता है उसके सहयोग से हमने लखनऊ में इसका एक लखनऊ चैप्टर प्रारंभ किया और उसके बाद फिर सन 2000 में हमने फिर बरेली कॉलेज में ही एक कॉन्फ्रेंस की और ये 5वीं कॉन्फ्रेंस इस कड़ी में है। अच्छा, ये सेमिनार्स आप करते हैं जी, इनका स्वरूप क्या रहता है, किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं? इसका स्वरूप ये है कि जब भी कभी सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में ये तय पाया जाता है कि अब एक बायोटेक्नोलॉजी पर कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या उसका विषय क्या हो, वो विषय हम पहली एग्जीक्यूटिव बॉडी में ही तय कर देते हैं, इस विषय पर कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होगी, उसका केंद्र बिंदु क्या होगा, उसका किस स्थान पर इसको संचालित किया जाना है, ये तय हो जाता है। उसके बाद फिर एक अगर कहीं दूसरे स्थान पर उसको आयोजित करना है तो हमारे बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होता है और उसके बाद फिर वो संस्था अपने पूरे सहयोग के साथ वहां पर उस कॉन्फ्रेंस को संपादित करती है। जो पेपर्स इनमें पढ़ते हैं आप लोग या जो शोध पत्र आपके आते हैं या जितनी भी तरह की रिसर्च आपके इस सोसाइटी के थ्रू फ्रंट में आती हैं जी, तो चूंकि ये इंटरनेशनल एक बॉडी है और देशों की गवर्नमेंट ने या हमारे देश की गवर्नमेंट ने इन पेपर्स में से कुछ पेपर्स अडॉप्ट भी किए हैं या उन पर कोई सरकारी रणनीतियां तैयार भी हुई हैं? हाँ, सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च के तत्वावधान में जो जर्नल छपता है उसमें जितने भी शोध पत्र हैं क्योंकि ये एक आईएसएसएन नंबर प्राप्त
शोध पत्रिका है, इसलिए इसमें जितने भी शोध पत्र छपते हैं उन शोध पत्रों का आकलन होता है और इन में छपने वाले शोध पत्रों के आधार पर सरकार की विभिन्न फंडिंग एजेंसी जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके से काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनसे लोगों के पास या वैज्ञानिकों के पास शोध प्रबंध आते हैं और साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के शोध प्रोजेक्ट हैं वो उनको इस पत्रों के आधार पर सैंक्शन हुए हैं। मतलब इस पे काम चल रहा है गवर्नमेंट लेवल पे भी। आपने एक उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी की होगी, एक उम्र में आपने अपनी नौकरी की शुरुआत की होगी और आज भी आप पढ़ा रहे हैं। शिक्षा के बहुत सारे बदलते स्वरूपों को आपने देखा होगा अपनी निगाह से। चलिए आपका दौर तो एक अलग था, लेकिन जिस दौर में आपने पढ़ाना शुरू किया और आज के दौर का जो स्टूडेंट है, आप कुछ फर्क पाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से फर्क तो है, क्योंकि समाज में जैसे परिवर्तन है उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों का असर कहीं एक कोने से नहीं है बल्कि उसके विभिन्न आयाम हैं जहां से परिवर्तन आ रहे हैं। हमारे परिवार में भी परिवर्तन आए हैं, हमारे शिक्षा के संस्थानों में भी परिवर्तन आए हैं, छात्रों की अध्यापकों की सोच में भी परिवर्तन आया है और उन सारे परिवर्तनों के रूप में जो मौजूदा पीढ़ी है वो पीढ़ी उन परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ रही है। आपकी निगाह में वो परिवर्तन कैसे हैं? हमारी निगाह में बहुत स्वस्थ परिवर्तन कुछ मायनों में तो हैं, लेकिन कुछ मायनों में उन परिवर्तनों को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। जो स्वस्थ परिवर्तन है वो ये है कि हमारे समय में जब हमने बरेली कॉलेज ज्वाइन किया तो हमारे पेरेंट्स को ये चिंता नहीं थी कि हम किस तरीके से अपना कैरियर बना रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, लेकिन एक उस दिशा में हम लगातार अग्रसर थे, एक हमारे सामने ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था, एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य को लेकर के हम बढ़े। मैं इस सिलसिले में एक बहुत छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। जब मैं बीएससी का छात्र था तब उस समय मैं अपनी टेबल पर, जो मेरी प्रैक्टिकल करने की टेबल होती थी, उस पर मैं डॉक्टर सुबोध के भटनागर एमएससी पीएचडी टोरंटो लिख दिया करता था और मुझे उस समय वास्तव में ये भी मालूम नहीं था कि टोरंटो कहाँ पर है, लेकिन उसने निश्चित रूप से एक उद्देश्य देने का काम किया। मुझे लगा कि मुझे अपने नाम के सामने इसी तरीके से डॉक्टर लगाना चाहिए, मुझे विदेशों की यात्रा करनी चाहिए, मुझे विदेशों से और हिंदुस्तानी संस्कृति में जो तालमेल है वो बैठाना चाहिए विज्ञान के क्षेत्र में, तो एक उद्देश्य लेकर के हम चलते थे। लेकिन आज का जो छात्र है उसके सामने उद्देश्य जैसी कोई चीज नहीं है, प्रेशर ज्यादा है, बिखरा हुआ है, प्रेशर ज्यादा है। जब पहले एक बच्चा आता था तो विकल्प नहीं होते थे, तो वो केवल उसने बीएससी ज्वाइन की, उसके पास तीन विषय है, वो तीन विषयों में कंसंट्रेट कर रहा है, फिर वो एमएससी में गया, एक विषय है, वो एक विषय पे कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन अब जब बच्चा बीएससी करने आता है तो वो कंप्यूटर भी कर रहा होता है, एमबीए भी कर रहा होता है, साथ में कई चीजें कर रहा होता है। आपको लगता है कि इतने सारे दबावों के बीच में वो कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है क्या? हाँ, दबाव निश्चित रूप से बच्चों पर है और मैं इस बात को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से कि बहुत छोटेपन से बच्चों के ऊपर एक दबाव पेरेंट्स बिल्डअप करते हैं जो सही नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, पांचवीं क्लास में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसके ऊपर एक मानसिक दबाव पेरेंट्स की तरफ से और अध्यापकों की तरफ से होता है कि 99% मार्क्स आने चाहिए, 98 आने चाहिए, दो नंबर कम क्यों रह गए, दो नंबर बढ़ने चाहिए। ये एक मानसिक दबाव की स्थिति में वो बच्चा हमारा धीरे धीरे करके बड़ा होता है और एक स्थिति ये आती है कि जब वो हमारे पास तक पहुंचता है बरेली कॉलेज में या हायर एजुकेशन के लिए पहुंचता है, तब तक वो दबाव उसके ऊपर इतना ज्यादा काबिज हो चुका होता है कि वो पढ़ाई से थोड़ा सा बिलग होने लगता है, हटने लगता है। पिछले दिनों आप ग्रीस गए हुए थे अपने इस अनुसंधान के तहत, आपने वहां के भी एजुकेशन के हालात देखे होंगे, बाहर के मुल्कों के हालात और यहाँ के हालातों में किस तरह का अंतर पाते हैं? वहाँ जागरूकता है, ये बात तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे यहाँ या हिंदुस्तान में हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों, हम जो भी काम कर रहे हैं पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन शायद वहाँ से हम कहीं भटक रहे हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहां पर जो भी काम, जो भी उद्देश्य किसी भी बच्चे के सामने है वो उसको पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, अपने राष्ट्रीय भावना के साथ लगता है। आप वहां पर ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, कहीं पर आप हर स्टूडेंट को समय से क्लासेस के अंदर देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि वहां पर पीढ़ियों का अंतर बहुत कम है। पीढ़ियों का अंतर से हमारा तात्पर्य यह है कि अध्यापकों और छात्रों के बीच में बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं और उस दोस्ताना ताल्लुकात का एक फायदा, जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप अलग कर दें, लेकिन जो फायदा है वो ये है कि स्टूडेंट किसी भी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने अध्यापक से निसंकोच पूछ सकता है, जबकि यहाँ पर हमारे बीच में एक दीवार है जो हमारी संस्कृति की देन है। तो
आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमको अपनी बुनियादी चीजों में फर्क डालना चाहिए? हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें तो गुरु डंडे बरसाता था, शिष्य चुपचाप खाता रहता था। किस तरह से हमें उन परंपराओं से निकलना चाहिए? आज भी कहा जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा लागू होनी चाहिए, गुरुओं का आदर होना चाहिए, तो बच्चा क्या करे, किस तरीके से चले? दोनों तरफ से लैप्सेस हैं। मैं अध्यापकों के स्तर से भी कह सकता हूं कि हमने कहीं अपने आप को या तो सामाजिक दबावों के कारण समझौता हमने किया है कुछ चीज़ों से, हमने उतनी ईमानदारी के साथ अपने उस कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं जितनी ईमानदारी से हमें निभाना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स वो भी आज अपने छात्र अपने बेटे को बेटी को ये शिक्षा देते नहीं थकते हैं कि तुम्हें किसी टीचर की या किसी अध्यापक की हिम्मत नहीं है कि वो आपको विक्टिमाइज करे या किसी तरीके से आपको पेनलाइज करे या पनिश करे। जबकि हमारे समय में मेरे पिताजी ने खासतौर से जब हम पढ़ते थे तो उन्होंने हमारे अध्यापक से कह दिया था कि इस बच्चे को मैं आपकी सुपुर्दगी में सौंप रहा हूँ और केवल हड्डियाँ इसकी मेरी हैं, बाकी खाल के ऊपर पूरा अधिकार इसका है, आपका है। ये ऐसा नहीं था कि कोई टीचर इस तरीके का व्यवहार करेंगे, लेकिन उनका केवल तात्पर्य यह था कि बच्चे के दिमाग में यह आता था कि अब मैं पूरी तरह से अध्यापक के संरक्षण में हूं और अध्यापक को भी लगता था कि इस बच्चे को मेरे संरक्षण में छोड़ा गया है और पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती थी। आज के समय में ऐसा नहीं है। हरित क्रांति या प्लांटेशन या वृक्षारोपण का जितना भी हमारे सरकारी आयोजन चलते हैं जी, बायोटेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में किस तरीके से काम करता है? बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी कार्यक्रम इस तरीके के हैं उनमें बहुत अग्रणीय भूमिका इसकी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, खासतौर से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है जिस पर हम नियंत्रण नहीं पा सक रहे हैं चाहे कोई भी कारण इसका हो, तो उस जनसंख्या के लिए हमें फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर तीनों चीज़ें चाहिए। उन तीनों ही क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रख रही है, क्योंकि जितनी परंपरागत भोजन से संबंधित पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं या पदार्थ हैं, उन पदार्थों के अलावा हमें एक एडिशनल फूड स्टफ चाहिए जो हम उस जनसंख्या को फीड कर सकें। हमें अतिरिक्त मकान चाहिए, हमें अतिरिक्त क्लॉथिंग चाहिए, कपड़े चाहिए, तो उन सब में बायोटेक्नोलॉजी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये जो हाइब्रिड्स का प्लांटेशन में हाइब्रिड्स का जो एक फैशन आया है, तकरीबन चीजें हाइब्रिड हो गई हैं। अगर हम फ्रूट्स को देखें, तरबूज है तो वो सब एक साइज के हैं, एक कलर के हैं, एक सी मिठास है उनमें। अगर और हम आमों में क्वालिटीज देख रहे हैं, तो आप बताएं कि आने वाले समय में ये एक अच्छी दिशा में चलेगा या जो कोलोन बन रहे हैं, मैं सोचता हूँ तरबूज जो है वो एक तरह से कोलोन ही है, तो ये किस तरह से आगे काम करेगा? निश्चित रूप से हर विज्ञान के दो पहलू होते हैं, एक तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव पहलू है और दूसरा उसका नेगेटिव पहलू है, किसी भी विज्ञान का हो सकता है। अब क्लोनिंग की जहां तक बात है तो क्लोनिंग को यूनाइटेड किंगडम ने अभी अप्रूव किया है, लेकिन उसको मेडिसिनल उपयोग के लिए किया गया है, क्योंकि क्लोनिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि अगर क्लोन बनना शुरू होते हैं तो किसी वैज्ञानिक के या अध्यापक के या किसी एक बहुत अच्छे समाज सुधारक के क्लोन लोग कम बनाना पसंद करेंगे, बजाय इसके वो किसी क्रिमिनल का क्लोन बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। ये एक हमारी सोच है, हम किसी भी चीज की अच्छाइयों को देर से पकड़ते हैं, बुराइयों को जल्दी पकड़ते हैं, तो ये एक इसका नेगेटिव पहलू है। लेकिन मेडिसिनल साइंसेस के अंदर या मेडिकल साइंसेस के अंदर ये एक क्रांतिकारी कदम है। इसी तरीके से पौधों में ट्रांसजेनिक प्लांट्स यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर हम जीन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, वो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर हम डिफरेंट प्रकार के विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स छिड़कते हैं, अगर हम ऐसे पौधे विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे करके जो मार्केट में भी आ जाएंगे, जिन पौधों के माध्यम से पौधों को हम किसी भी प्राणी को ऐसे पौधे प्राप्त दे सकते हैं या प्रदान कर सकते हैं जिन पर कीड़ों के लिए हमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, उनके अंदर जीन ट्रांसफर करके, जैसे बीटी कॉटन है, इसी प्रकार से बीटी जीन्स के माध्यम से हम पौधों को इंसेक्ट से बचा सकते हैं। ये आपकी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आपके बॉटनी के डिपार्टमेंट में आया जी। आपकी सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल तक गई, बहुत सारे पर्चे इसके अंदर पड़े जाते हैं, लेकिन बरेली के परिक्षेत्र में आपकी सोसाइटी क्या काम कर रही है? बरेली परिक्षेत्र में सोसाइटी जिस प्रकार से ये कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करती है, उसका हमारा उद्देश्य कभी भी खाली वैज्ञानिकों को बुलाकर के व्याख्यान कराना नहीं होता। इसके पीछे एक बड़ा सोचे समझा उद्देश्य ये है कि हम लैब टू लैंड कंसेप्ट पर काम करें, यानी जो काम हमारे वैज्ञानिक या साथी बायोटेक्नोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट जो काम प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं, वो खाली प्रयोगशाला की चार दीवारी में सिमट के ना रह जाए,
वो एक आम आदमी तक पहुंचे और उसे ये एहसास हो कि बायोटेक्नोलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी के क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक वास्तव में उनके लिए फिक्रमंद हैं और उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ के किसानों को या यहाँ के जो भी फार्मर्स हैं उनको आप जोड़ते हैं? बिल्कुल उन्हें जोड़ते हैं, क्योंकि जब भी कभी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आमतौर पर हम एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करते हैं। इस बार का विषय हमने एग्रीकल्चर और हेल्थ पर लिया है, तो खास तौर से जो बरेली के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स नई नई तकनीक के द्वारा इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या उन निसंतान दंपतियों को संतान प्रोवाइड करने में मदद कर रहे हैं, अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, कैंसर से लड़ने में मदद कर रहे हैं, उन सभी संस्थानों को हमने आमंत्रित किया है जिससे कि वो ये बताएं कि किस तरीके से वो अपनी इन परियोजनाओं को पूरा करते हैं और आम आदमी के हित में वो परियोजनाएं कहां तक लाभकारी हैं। आपकी जो सोसाइटी है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज काम कर रही होंगी, आपकी सोसाइटी में ऐसी क्या खास बात है जो आप दूसरी सोसाइटीज से उसको अलग करके देख सकते हैं? इस सोसाइटी को अभी जब प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था तो हमने इसे अपने रुहेलखंड क्षेत्र तक सीमित रखा। पहले बरेली कॉलेज से स्थापित होने के बाद ये रुहेलखंड परिक्षेत्र थी, धीरे धीरे करके इसका दायरा बढ़ता चला गया और लगभग पूरा यूपी और यूपी के बाद फिर हम विभिन्न स्टेट्स में भी इसको ले गए हैं। और इसमें जितने भी शोध पत्र आते हैं उन शोध पत्रों को हम विभिन्न प्रयोगशालाओं, विभिन्न लाइब्रेरीज के माध्यम से वैज्ञानिकों तक और आम आदमी तक पहुँचाते हैं। जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं उन साथियों से भी मेरा निवेदन रहता है कि जो शोध कार्य अच्छे शोध कार्य आम आदमी से जुड़े हुए शोध कार्य इस पत्रिका में छपते हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाने में वो सहयोग करें, तभी इसका उद्देश्य पूरा होगा। आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आप लोग प्रोजेक्ट बनवाते हैं, तो बजाय इसके कि वो प्रोजेक्ट कागजों में बने, जैसे कि हमारा यूकलिप्टिस का जो पेड़ है वो हमारे भूमि के लिए बहुत ही खराब है या पॉपुलर है, या ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां भी होंगी जो हमारे खेतों के लिए और हमारी ज़मीन के लिए खराब चीज़ हैं, तो बजाय जो प्रोजेक्ट बच्चे कॉपियों पे बना के लाते हैं घर से, उसमें अच्छे अच्छे चित्र चिपका के लाते हैं, आपकी सोसाइटी या आपका डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता है कि वो गाँव में जाएँ, दूर दराज के इलाकों में जाएँ, आस पास के किसानों के पास बिल्कुल अपने तौर पर जाएं और उनके साथ रह के दो दिन, चार दिन, हफ्ता भर उस प्रोजेक्ट को पूरा करें और उनको अवेयर करें, पूरे पूरे गांव को अवेयर करें कि इस तरह के प्लांटेशन से बचें या इस तरह की चीज़ों से आपको ये खतरे हैं या इस तरह की चीज़ें उगाने से आपको ये फायदे हैं। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और ख़ास तौर से इस दिशा में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी के तत्वावधान में हम जब भी कभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम या वसंतोत्सव या इस तरीके के कोई सामाजिक आयोजन करते हैं तो उसमें हम सीधे वहाँ की जनता से जुड़ते हैं। और उस जुड़ाव के तहत ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ के जो छात्र हैं वो गाँव में जा करके उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन या पर्यावरण के ऊपर या जितने भी तरीके से वेस्ट हैं उनको रिसाइकिल करना या बायो मैन्योरिंग, बायो कंपोस्टिंग, बायो फर्टिलाइजर्स, इन सब के ऊपर इस दिशा में उन्होंने काम किया है। क्योंकि मॉलिकुलर लेवल पर जितने भी शोध कार्य हैं उन शोध कार्यों को सीधे सीधे जनता को बताया जाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत क्लिष्ट शोध कार्य होते हैं, तो इसलिए उनको हम बहुत सरल तरीके से जनता को बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, शोध कार्य हो या बड़ी पढ़ाइयाँ हो, उसका लाभ आम जनता को ही मिलता है। ये अलग बात है कि वो किन रास्तों से आम जनता तक पहुंचती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शोध कार्य और बहुत सारे बड़े बड़े काम बड़े बड़े लेवल्स पे होते रहते हैं, लेकिन बरेली जैसे शहर के लिए ये वाकई गर्व की बात है कि वहाँ के एक कॉलेज के डिपार्टमेंट ने एक सोसाइटी बनाई और वो इंटरनेशनली अपने आप को जीवित रखे हुए है और उसका 5वां सेमिनार, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो अपने ही शहर में फिर से कर रहे हैं। डॉक्टर भटनागर, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपकी बात कार्यक्रम आपका अपना है, आप लोग आपकी बात से जुड़े, आपकी बात में आपको विविध विषयों पर और विविध लोगों से मिलाया जाएगा। आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं हमें अपने पत्र द्वारा लिख सकते हैं, अपने पत्र आप भेज सकते हैं इस पते पर, कार्यक्रम आपकी बात, विश्व मानव भवन, 103 सिविल लाइन्स, हिंद सिनेमा के पीछे, बरेली। फोन 9359111011। तो अगली बार हम आपसे इसी समय मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ आपकी बात में, तब तक के लिए मुझे विदा दें।